ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अब आप जो भी आते हैं वो संशोधन के नाम पे पूरा नगर निगम पूरा जो है वो चर्चा उसमें शुरू कर दें। मानी सर जी, सभापति महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि जो अमेंडमेंट बिल सरकार ने प्रस्तुत किया है इसके स्कोप में अपनी बात कहूँ। सभापति महोदय, मूल रूप से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर सरकार उसकी धारा 23(2) में, 28(1) में और 31(1) और (2) में, 159(4) में और 194 में एक नई धारा 194 के माध्यम से संशोधन लेकर आई है। मंत्री महोदय, ये सारी बातें शंका की बातें इसलिए उठती है कि आपका एक रिकॉर्ड रहा है, आप इस सदन के अंदर जब कभी भी कोई भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं, कोई भी बिल लेकर आते हैं, उसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा कुछ समय बाद निकल कर आता है। और मैं समझता हूं कि आपने नगरपालिका अधिनियम 2019 का, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इसके अध्याय 2 और सेक्शन 3 का, नगरपालिका नगर परिषद के गठन का जितना दुरुपयोग आपने किया है संविधान के 74वें संशोधन की आत्मा को, जिस प्रकार आपने कुचला है, ये पूरे इस सदन के इतिहास में और राजस्थान की लोकशाही के इतिहास में लोग याद रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो पहला संशोधन लेकर आप आए हो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 3(2) में, संशोधन क्या है आप लेकर आए, कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई शर्तें, चुनाव बंद, प्रचार बंद होने के बाद की अधिसूचना जारी होने पर ध्वनि यंत्र, बैनर्स, पोस्टर, रैली से प्रचार करेगा तो निर्वाचन आयोग शर्तें व गाइडलाइन के उल्लंघन पर, पूर्व में जो जुर्माना 2000 था उसको बढ़ाकर आपने 5000 किया है। मैं समझता हूं कि अगर आप मूल रूप से अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इसको पढ़ लेते तो साहब ये संशोधन आप लेकर नहीं आते। आप सिर्फ 3000 रुपये दंडात्मक प्रावधान लेकर एक इस निर्वाचन आयोग को पहले से दंतहीन नखहीन है इसका एक उपवास उड़ाने का काम आपने किया। आप इस 23(2) को पढ़ लो, 23(2) के अंदर क्या लिखा है, आप ही का इस मूल एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट में, उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को नगर पालिका सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी तारीख से 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। एक तरफ प्रावधान है कि अगर आपने राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन निर्देशों की अवहेलना कर दी तो आपको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दंडात्मक प्रावधान वो ज़्यादा है या आपके 3000 की बड़ी हुई राशि। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसी के अंदर अगर आपको संशोधन लेकर आना था तो 23(4) में लेकर आते आप, उसमें लिखा है कि 23(2) के अंदर जो भी कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उस पर प्रसंज्ञान न्यायालय तब तक नहीं ले सकेगा जब तक न्यायालय के समक्ष सक्षम अधिकारी परिवाद प्रस्तुत नहीं करे। आप इसको हटा देते, सू मोटो अपने आप ही लोगों के सामने लोग शिकायत करते, न्यायालय प्रसंज्ञान ले लेता। और जब आपने ये बात कही, मंत्री महोदय आपको अच्छी तरह मालूम है, हम सब लोग जितने भी हमारे निर्वाचन है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से हम गवर्न है। और इसके 126वीं सेक्शन 126 क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के पूर्व 48 घंटे की कालावधि में किसी प्रकार का सार्वजनिक सभा, जुलूस, चलचित्र, टेलीविजन आदि के द्वारा प्रचार व प्रदर्शन करता है तो वो 126(2) के तहत 2 साल के कारावास से दंडित है। मेरी समझ में नहीं आया, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालना के अंदर उल्लंघन किया है और चुनाव बंद होने के बाद किसी प्रकार का प्रचार किया है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा होगी। और आप खुद 23(3) में ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष के लिए अयोग्य होगा, फिर आपने सदन का समय जाया करने के लिए ये संशोधन आप क्यों लेकर आए मंत्री महोदय? मैं समझता हूं कि अब आपकी वो पकड़ और आपकी वो जकड़ दोनों ढीली पड़ गई और इसी तरह सिर्फ अक्कड़ बची है और अक्कड़ अपनी अक्कड़ बोर्ड की चोट से निकलती है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, कई बार निकली है, कोटा की जनता आपको अर्श पर भी लाती है तो फर्श पर भी वहां की जनता लाती।
वो जो दूसरा आप जो संशोधन लेकर आए 28(1) को जो डिफाइन किया आपने, रीडिफाइन किया है 28(2) में, आप इसके मूल जो एक्ट है, मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें जो 1994 की धारा 28 है सभापति महोदय, उसमें जो उल्लेख किया गया है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125, 126, 127, 127 ए, 128, 129, 130, 131, 132, 132 ए, 133, 134 ए, 134 बी, 135, 135 ए, 135 बी और 135 सी, ये चुनाव से संबंधित मामले सारी धाराएं हैं, इसको एज इट इज हमारे इस नगर पालिका अधिनियम 2009 ने स्वीकार किया, एज इट इज आपने इसको रिप्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, 28(2) में संशोधन अब लेकर आ रहे हैं आप, प्रिंसिपल एक्ट 2009 में, कि कोई भी उम्मीदवार जो नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा, प्रस्तावक या उम्मीदवार को शपथ पत्र या घोषणा के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी से कोई मिथ्या सूचना देगा या कोई जानकारी छुपाता है तो 6 माह के लिए वो कारावास से दंडित या जुर्माने के लिए दंडित होगा। मैं फिर मंत्री महोदय आपका ध्यान इधर उधर रहता है आपका, और मैं समझता हूँ इस उम्र में रहता भी है, मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 ए, आप पढ़ लो आप इसको, पहले से प्रावधान है 125 से, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर कोई भी उम्मीदवार या उसका प्रस्ताव किसी प्रकार का मिथ्या शपथ पत्र देता है 6 महीने के लिए दंड या जुर्माने का दंडित होगा। मतलब फिर आप ये संशोधन लाए तो लाए क्यों, अगर आपको संशोधन लाना था तो मूल एक्ट के अंदर जहाँ आपने रिप्रोड्यूस की है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की वेरियस धाराओं को, उसके अंदर एक धारा ही और शामिल कर देते 125 से, मेरी समझ में नहीं आया ये नोट विद स्टैंडिंग करके आप क्या करना चाहते हो मंत्री महोदय। मैं समझता हूँ आप जब कभी उत्तर दोगे तो उत्तर तो वही दोगे, मुझे कुछ ना कुछ बताओगे, और आपकी डिग्रियां मैं सारी इकट्ठी करता जा रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर फर्जी वो अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां लेकर मैं समय रहेगा तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में आकर कहूँगा लोगों को कि आपके जुम्मेवार मंत्री महोदय एक सीधे साधे 6'2" के इंसान को जो जनता की सेवा के लिए संकल्पित है उसको इस प्रकार की डिग्री देते हैं। तो सभापति महोदय वो तैयारियां, वो दौर गुजर गया, वो दौर चला गया, जहां आज मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, आ जाएगा दौर। तो सभापति महोदय मैं निवेदन करूं एक और संशोधन जो मूल एक्ट 2009 में लेकर आए हैं 31(1) का, मतलब इसमें क्या लेकर आए हैं, किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगर पालिका क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, यह पहले से प्रावधान है। अब आपने एक स्पष्टीकरण जोड़ा है मंत्री महोदय, आप स्पष्टीकरण पढ़ लो, और जब आपके पास सिरोही से आने वाले मान्य विद्वान सदस्य बैठे हैं तो पढ़ा भी देंगे, वहां पर ना पढ़ते नहीं आप, वह व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हक रखता है, आगे सभापति देखो महोदय देखो, उसने निर्वाचन में मतदान किया या नहीं किया, अब इसका मतलब आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नगर पालिका चुरू के अंदर अगर किसी वार्ड के अंदर कोई भी नगर पालिका के किसी भी चुनाव को अगर चुनौती देनी है मुझे 1 महीने के अंदर अंदर, तो राजेंद्र राठौड़ का वार्ड नंबर 55 में नाम होगा तब भी मैं दे पाऊंगा चाहे मैंने वोट दिया है नहीं दिया। आप मुझे ये बताओ, ये आप और हम सब लोग संविधान से गवर्न है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहते इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के बारे में सारे समान है, डिप्राइव नहीं कर सकते आप किसी को, उस वहां के नागरिक के तौर पर आप जो डिप्राइव करना, अच्छा आपके पास कितनी शिकायतें आई जी, किस आधार पर अमेंडमेंट लेकर आए हैं, कितनी शिकायतों के आधार पर आपको लोगों ने कहा कि आप इस तरह का प्रोविजन करो, ये मेरी समझ की बात है, और मैं समझता हूं कि आपने वो नामांकन पत्र रद्द करने पर, हाँ तो आज जवाब दे दूं मैं आपको, आप कहते हो कि संविधान की धारा 14, ये आर्टिकल 14 कह रहे हो ना आप, कि साहब डिप्राइव नहीं कर सकते, इसमें डिप्राइव किया गया है, ये बता दो आप कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में जब आप चुनाव लड़ते हो तो फिर ये जरूरी क्यों रखा है कि आपका विधानसभा का मतदाता ही जो है वो आपका कैरम प्रपोजर होगा। सभापति महोदय विधानसभा का मामला एक है, नगर पालिका के अंदर आप श्रीमान जानते हैं सभापति महोदय, मैं आपकी लोकप्रियता जानता हूँ, आप अपने खुद के उस वार्ड के अंदर जितने लोकप्रिय नहीं हो, जितने आप वार्ड नंबर 35, 36, 37 में हो,
क्योंकि वहां उस तरह के लोग रहते हैं जो आपको आपको पूछते हैं। अगर वहां कोई चुनाव गलत हो गया तो राजेंद्र पारिक जी वहां नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि आप ये क्यों लेकर आए हो। और फिर आपने लिखा कि अगर कोई नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत हो गया तो उसकी चुनौती देने की बात तो है, पर 31-1 के अंदर आपने लिख दिया एक महीने की राइडर लगा दिया। मतलब आज अगर मैं नामांकन नॉमिनेशन प्रस्तुत करता हूँ और मेरा नॉमिनेशन खारिज कर दिया, मेरे तो 31-1 के अंदर एक महीने का राइडर है, एक महीने के अंदर करूँगा, तत्काल क्यों नहीं करूँगा मैं? मेरी समझ में नहीं आया। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ, जो अभी अजमेर से आने वाले मान्य सदस्य ने आपके 159(4) के अंदर 1,00,000 की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में जोन विकास की योजना और उसके बाद 1,00,000 से कम सेक्टर योजना, मेरी समझ में नहीं आया आप ये योजना क्यों बना रहे हो। मास्टर प्लान पहले आपने अप्रूव कर दिया, मास्टर प्लान पर ठप्पा आपने लगा दिया, इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? मतलब इसके पीछे हिडन एजेंडा ये है कि इन सेक्टर प्लान के अंदर आप उस नगरीय क्षेत्र की कोई भी भूमि को ले आओगे, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो, चाहे वो और किसी कानून के तहत जिस जमीन का उपयोग आप व्यवसायिक तौर पर नहीं कर सकते, रिहायशी तौर पर नहीं कर सकते, वो करोगे आप। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, 12-1-2017 में गुलाब कोठारी की वो याचिका, गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार, उसके अंदर जो पूरे 35 निर्देश दिए सभापति महोदय, उन 35 जो निर्देश दिए इसलिए दिए गए कि ग्रीन बेल्ट और पेरेफेरी जोन के अंदर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जोन नहीं रहेगा, पर्यावरण की बात है सो है। आप एक रास्ता निकालना चाहते हो गुलाब कोठारी की रिट याचिका के अंदर, जो राज्य सरकार को जो 35 अलग अलग निर्देश दिए हैं, आप ये जोनल प्लान और सेक्टर प्लान बनाकर आप एक इस तरह का काम करना चाहते हो। मैं समझता हूं इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। जो मैंने पहले कहा, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं, मैं तो जानता हूं आपको, को बहुत से लोग नहीं जानते। ये आज जो अमेंडमेंट आप लेकर आए हो, इसके फॉल आउट जब आएंगे ना, उस दिन आप और हम यहां रहेंगे तो मैं खड़ा होकर कहूंगा मंत्री महोदय मैंने उस दिन कहा था, लिफाफा देख के मजमून भांप लिया मैंने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सभापति महोदय, अंतिम में 194 के अंदर एक संशोधन लेकर आए, 194 में इन्होंने नई धारा 194 ए इंसर्ट की है, और उसमें ये अधिकार ले रहे हैं किसी भी नगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी प्रकार के भवन निर्माण की को रोकने का अधिकार। क्या था आप जिनको मानते हो, जिन्होंने आपको लोकसभा में पहुंचाया, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा होगी, कितना दर्द होगा राजीव गांधी जी की आत्मा में। क्या 14वां संशोधन, संविधान का संशोधन इसीलिए लेकर आए थे? फंड फंक्शन फंक्शनलिटीज की बात, लंबी चौड़ी बात आप कर रहे हो, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हो, पर ये इसलिए नहीं। सभापति महोदय, आदमी का स्वभाव है, जिस तरह मैं प्योर डेमोक्रेट हूं, ये प्योर ऑटोक्रेट है। मतलब आदमी छुपता नहीं अपने आप में। आप ये क्यों ऐसे में अधिकार लेना चाहते हो? आपकी निगाह क्या है? यहां से ये कह देंगे सभापति महोदय कि कहीं भी कह देंगे कि इस जोन के अंदर एक डिग्री और मिली है मेरे को सभापति महोदय, ये डिग्रियां अब तो सिंबॉलिक दोनों तो वहीं से जहां बैठे हो, ये मेरे आर पार जा रही है सभापति महोदय। आपने देखा होगा हिपोक्रेट कहते हैं मेरे चेहरे के भाव बदल गए, मेरा चेहरा उदास हो गया। मंत्री महोदय, इसका जवाब भी लूंगा, पर मुझे बताओ सही सभापति महोदय, अगर आप देखोगे इस मूल एक्ट के अंदर 194(7)(e) के अंदर नगर पालिका को यह अधिकार दे रखा है, अगर कोई अनधिकृत रूप से निर्माण हुआ है, अगर कोई बायलाज को वायलेट करते हुए किसी प्रकार का अतिक्रमण है, तो नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी नोटिस देकर उसको हटा सकता है और 20,000 तक जुर्माना कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आया आप इसको पहले से जुर्माने का प्रावधान उसको अभी रीराइट क्यों कर रहे हैं, और आप ये अधिकार क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपका हेतु क्या है? इसलिए सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं मंत्री महोदय आपको एक मित्र के रूप में एडवाइस दूंगा, थोड़ा सा अध्ययन करने की प्रवृत्ति जो आपसे दूर हो गई है, और ये अधिकारी जो कहते हैं ना आपकी चाल क्या चाल है सर, देवानंद चलते हैं जिस तरह,
इसमें मत आओ, इसमें इसमें कुछ नहीं पड़ा, फिर कानून को पढ़ के आज तो इसको आप सेलेक्ट कमेटी में सौंप दो या जनमत जानने के लिए जारी कर दो और दोबारा बैठेंगे तो आपके साथ बैठ के अपने करेंगे, इसको पारित कर देंगे, मुझे ये कहना। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।